साथियों नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज 10 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? ST SC OBC इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ST से। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है? SC ST OBC इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न, NCST का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 338, 338 है, 339, 341। उत्तर है NCST का उल्लेख 338 ए में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मणिपुर को विशेष दर्जा दिलवाता है? विकल्प हैं 371 ए, 371 बी, 371 सी और 371 डी। उत्तर है मणिपुर का विशेष दर्जा 371 सी से मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 244 एक किस अनुसूची से संबंधित है? या विकल्प हैं अनुसूची एक, अनुसूची दो, अनुसूची तीन, अनुसूची चार, अनुसूची पाँच। उत्तर है अनुसूची पाँच से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 244(2) किससे संबंधित है? अनुसूची एक, अनुसूची दो, अनुसूची चार, अनुसूची छः। उत्तर है अनुसूची छः से संबंधित है। अगला प्रश्न, अनुसूची संख्या 5 में कितने राज्य आते हैं? ऑप्शंस हैं 8, 9, 10, 11। उत्तर है 10 राज्य आते हैं। अगला प्रश्न, अनुसूची संख्या 6 में कितने राज्य सम्मिलित हैं? विकल्प हैं 9, 10, 11, 4। उत्तर केवल 4 राज्य सम्मिलित हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अनुसूची 5 में सम्मिलित नहीं है? गुजरात, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। उत्तर है बिहार अनुसूची 5 में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, अनुसूची 6 में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। उत्तर नागालैंड और मणिपुर अनुसूची 6 में संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अथवा इनमें से कोई नहीं। उत्तर संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख किया गया है। महिला की गरिमा का उल्लेख कहाँ किया गया है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों में और 51G में। उत्तर 51G में इसका उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में व्यक्ति की गरिमा को मौलिक अधिकार माना था? मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती केस, AK गोपालन केस या इनमें से कोई नहीं। उत्तर मेनका गांधी के केस में मानव की गरिमा को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना गया था। मैतेई समाज में किस वर्ग में आते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इसमें से कोई नहीं। उत्तर अनुसूचित जाति और OBC में
मैतेई समाज के लोग आते हैं। अगला प्रश्न, मैतेई समाज को कब ओबीसी का दर्जा दिया गया? 1890, 1990, 1991, 1950। उत्तर है 1991 में। धन्यवाद।